मेरे प्यारे देशवासियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हमारे पूरे भारतवर्ष का विश्व में सब जगह गणपति पधारे हैं। उन्हें मेरा सादर नमन दंडौत। ये पर्व इसलिए भी प्रसिद्ध है कि ये मैंने देखा, कोई भी जाति धर्म हो, वो सब इसे बहुत ही मन से मनाता गणपति। मुझे याद है उन दिनों जब मैं बम्बई में बहुत ज़्यादा मशगूल था, उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुझे बड़े प्यार से रोक लेते थे और पूरे गणपति पर्व में मैं बम्बई रहता था। उसके गांव से रसोइये आते थे, पंडित आते थे, वो तरह तरह के बाजरे के व्यंजन बनाते थे, मैंने ऐसे कभी नहीं खाए, और इतने स्वादिष्ट होते थे। हम दोनों लक्ष्मी जी और प्यारे भाई दोनों ऐसे उत्पल्लित और उत्साह में रहते थे, जोश में रहते थे। ये तो अक्सर बात होती थी, चाहे किसी की भी रिकॉर्डिंग हो, मुझे म्यूजिक रूम में बुला लिया जाता था। बहुत ही वो दिन भुलाए नहीं भूलेंगे, और गणपति तो कभी नहीं भुलाए जा सकते। एक और विशेषता, परम पूज्य लोकमान्य तिलक जी ने इसको राष्ट्रीय एकता का पर्व बनाया और ये बन गया। उन्होंने सोचा होगा कि देश को कैसे जागृत किया जाए और किसके माध्यम से जागृत किया जाए, तो उन्हें गणेश जी ही नजर आए। और वाकई में मैंने ऐसा पर्व कभी नहीं देखा जो बम्बई में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी, इंदौर, देवास, हर जाति धर्म के लोग इसको मनाते हैं। मोहल्ला समिति होती है, सोसाइटी समिति होती है, उसमें सब धर्मों के लोग होते हैं, सब जाति के लोग होते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसा पर्व मैंने नहीं देखा, और इसकी भूमिका बहुत है आज़ादी की लड़ाई में। ये ऐसे ही नहीं आया, लोकमान्य जी ने बहुत सोच समझ कर इस पर्व को पकड़ा हुआ, क्योंकि गणपति की पूजा सब करते हैं। गणपति आप समझिए गणतंत्र का प्रति स्वरूप है ये, बिल्कुल गण कहना ही, गण कहते ही हमको गणतंत्र याद आता है। तो ये तब सोचा होगा, आज हमारे पास विशुद्ध गणराज्य है, गणतंत्र है, जनतंत्र है। गण का मतलब जन ही होता है, तो जनतंत्र को हम बना रहे हैं। और आज मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे घर में भी गणपति पधारे हैं। अभी पूजा वगैरह हो गई है, जब हो जाएगी तो वहाँ बैठ के भी मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, आपके सामने होऊंगा। मुझे आज आप लोग भी बड़े हृदय से गणपति को ध्यान कीजिएगा और भारत को ध्यान कीजिएगा, एक साथ गणपति की कृपा बनी है तो गणतंत्र है, जनतंत्र है। मैं आज आपके समक्ष और क्या बोलूँ, आज तो मैं गणपति से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि विश्व को शांति दे, इस गणतंत्र को और ऊंचा पहुँचाए और हमारे देश में खुशहाली लाए, विकास लाए। बस यही मेरी गणपति से प्रार्थना है, आराध्य है।
हर आदमी एक दूसरे के लिए जी, सिर्फ अपने तक ही जा रहे हैं। ये मेरी प्रार्थना है गणपति से, मेरे देश को मजबूत करो, मेरे भारत को मजबूत करो। जय हिंद, जय भारत।